नमस्कार, आप सभी का वीरी टीवी भारत में स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा, सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 2-3 महीनों के अंतराल में 10 करोड़ रुपए की राशि मुझसे वसूली गई। सुकेश ने दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया। इस तरह से मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सुकेश ने कहा कि सत्येंद्र जैन पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने मुझे डीजी जेल और जेल प्रशासन द्वारा धमकाया। मुझसे हाई कोर्ट में दायर शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। मुझे परेशान किया गया और धमकी दी गई। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। मैं तिहाड़ जेल में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वे कई बार जेल आए और मुझसे कहा कि मैं जांच एजेंसी के सामने आपको दिए चंदे के बारे में जानकारी न दूं। एलजी को लिखे पत्र में चंद्रशेखर ने कहा कि 2019 में सत्येंद्र जैन फिर जेल में आए। उस वक्त उनके साथ उनके सचिव और दोस्त सुशील थे। सत्येंद्र जैन ने मुझसे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांगे ताकि मैं जेल में सुरक्षित रह सकूं और मुझे जेल में बेसिक सुविधाएं मिल सके। अपडेट के लिए वीरी टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।